पुलिस आवास की भूमि पर दबंग माफिया का कब्जा। अतिक्रमण कर माफिया ने बना रखा था रेत का अवैध फड़। माफिया के रसूख पर भारी पड़ा प्रशासन का बुलडोजर। नेताओं का दबाव भी नहीं रुकवा सका कार्यवाही। पुलिस की उपस्थिति में ही हुई पुलिस की निवास की भूमि अतिक्रमण मुक्त। मध्य प्रदेश में माफिया किस तरह से हावी है ये आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी सारी खबरों में देखते हैं। और आलम ये है कि माफिया पुलिस के आवास के लिए आरक्षित भूमि को भी नहीं छोड़ते हैं, उस पर भी अपना अवैध कारोबार करते हैं। ये मैं कहूँगा, दिखाएं आप जिस तरह से ये रेत पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं ये रेत अवैध है, माफिया राज के हद तक हावी है। देखिए कि ये रेत जिस जमीन पर पड़ी हुई है, मैं कैमरामैन से कहूँगा चारों ओर घुमा के दिखाएं, ये जमीन जो है पुलिस के आवासीय परिसर के लिए आरक्षित की गई है। इस ज़मीन पर चारों तरफ लिखा भी हुआ है कि ये ज़मीन पुलिस के आवासीय परिसर के लिए आरक्षित है, उसके बावजूद भी माफिया इस कदर हावी हैं, इस तरह उनकी दबंगई चल रही है कि उन्होंने इस ज़मीन को भी कब्जा कर यहाँ इसको समतल कर लिया है आप देखेंगे, और यहाँ पर मुरम की भी खुदाई की है, और इसके बाद में यहाँ पर अवैध रेत का फड़ भी लगा दिया है। इतना सब होने के बावजूद भी जब खबर चलती है उसके बाद यहाँ पर खनिज विभाग कार्रवाई के लिए आता है। लेकिन मैं कहूँगा कैमरामैन थोड़ा इधर पीछे दिखाएं, हमारे साथ में हमारे कुछ पुलिसकर्मी भी हैं। ये वही पुलिसकर्मी है जो 24-24 घंटे 28-28 घंटे लगातार नौकरी करते हैं। उसके बाद इनकी उम्मीद यही होती है कि सरकार के द्वारा एक ऐसा निवास मिल जाए जहाँ ये अपने परिवार के संग कुछ सुकून के पल गुजार सकें, उसके लिए ही ये व्यवस्था की गई है यहाँ आपके निवास के लिए। क्या लग रहा है, मतलब पुलिस की भूमि पे ही कब्जा? क्या बोल रहे हैं पुलिस की भूमि पे ही, मतलब दबंग इतने हो गए हैं माफिया के, पुलिस के लिए आरक्षित भूमि पे ही कब्जा कर रहे हैं आप लोग। इतनी ड्यूटी करके आते हैं, एक थैंकलेस जॉब कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति पुलिस की प्रशंसा करते हुए दिखाई नहीं देता है, लेकिन अभी तो पुलिस की भूमि पे ही कब्जा हो रहा है। बिल्कुल, पुलिस की भूमि पे कब्जा हो रहा है, जिस पर प्रशासन कुछ ढील है, प्रशासन कड़ी से कड़ी इन लोगों पर सजा की जाए और कार्रवाई की, और हमारा जो प्रशासन ढीला है इसको जल्दी से जल्द लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा की जाए और कार्रवाई करने का निर्देश करे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हमारे जो पुलिस प्रशासन और हमारे जो क्वार्टर बन रहे हैं पुलिस क्वार्टर, उन लोगों के लिए जल्दी जल्दी राहत मिले और हम ही लोगों को निवास करेंगे। तो देखिए जल्दी से जल्दी जो है प्रशासन जो है सख्त एक्शन ले, और यहाँ जो इन हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, आपको मैं बता दूं कि ये कई बार आप थोड़ी मेरे बात से हो सकता है इत्तेफाक रखते हों, लेकिन यही वो खाकी है जो किसी चौराहे पे खड़ी होती है, इसलिए आपकी बहन सुरक्षित निकल पाती है। और इन्हीं खाकी के लिए जो आवंटित की गई है, आरक्षित की गई है जगह, उसको इस तरीके से भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, उस पर अवैध कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके से आप देख रहे हैं कि माफिया इतना हावी हो गया है कि पुलिस के लिए आरक्षित ज़मीन भी नहीं छोड़ रहा? माफिया हावी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन स्थिति तो यहाँ दिख रही है। अब वो तो कहीं कहीं हो जाए, इतनी दम नहीं माफिया में हावी हो जाए, इतनी दम नहीं है। देखिए ये भदौरिया जी हमारे दमदार पुलिसकर्मी हो, ये साफ कह रहे हैं कि ऐसा होने नहीं देंगे। और मैं यहाँ गंगेले साहब आए हुए हैं माइनिंग के तरफ से, थोड़ा बताएं किस तरह की कार्रवाई ये कर रहे हैं। ये कार्रवाई अवैध भंडारों को लेकर की जा रही है, और इसमें जो भी विधि संगत कार्रवाई है वो की जाएगी। क्या है, किसका है ये पूरा? ये अभी अज्ञात है, कोई सामने नहीं आया, लेकिन सरकारी भूमि है आवंटित, उस पर अतिक्रमण किया गया है। चूँकि ये अतिक्रमण करके कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पड़ा हुआ है, तो उसके मामले में जो भी विधि संगत कार्रवाई खनिज अधिनियम के तहत कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे ये भूमि को भी उन्होंने समतल किया है, तो इसमें आप राजस्व को भी कुछ नोटिस देंगे, सूचित करेंगे, उनको लेख लिखेंगे कुछ? जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी प्रस्तावित की जाएगी। तो नियमानुसार कार्रवाई की बात कर रहे हैं और ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये एकमात्र फड़ नहीं है, इस तरीके के अवैध फड़ तमाम लगे रहते हैं पूरे शहर में, लेकिन ये फड़ अपने आप में इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं जिसको समतल किया गया है, ये ज़मीन पुलिस निवास के लिए आरक्षित की गई थी। ये बोर्ड बड़े बड़े बाहर लगे हुए हैं, बोर्ड देखने के बाद भी यदि माफिया इतना दबंग है कि इन पर कब्जा करके इसे समतल करके और यहाँ पर निवास बना पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश में माफिया राज किस तरीके से हावी है।